हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, गेमिंग फोन के बारे में तो आप सभी को पता है, अगर आपको परचेस करना है काफी बढ़िया रहता है, पावरफुल रहता है। अगर आपको परचेस करना है तो लगभग आपको 40,000 50,000 60,000 ऐसे पैसे यहां पर स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन नुबिया ने एक मिड रेंज वाला गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है यहाँ पर नुबिया प्ले 5G। और आज की वीडियो में मैं आपको इसकी प्राइस पॉइंट बताने वाला हूँ, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नुबिया ने प्रोवाइड करा है और भी आपको यहाँ पर डिटेलिंग देने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का, आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, रियलमी एक्स थ्री की हमने कल वीडियो डाले थे, सारे स्पेक्स, प्राइस पॉइंट, इंडिया लॉन्च डेट, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया हो, जरूर से जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब नुबिया का यहाँ पर गेमिंग स्मार्टफोन की अगर हम बात करें जो कि मिड रेंज में आपको देखने को मिलता है, नुबिया प्ले 5G, तो स्पेक्स कमाल के, प्राइस पॉइंट कमाल के, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर करना तो बनता है। चलिए, स्पेक्स की अगर हम बात करें तो बिल और डिजाइन की बात करें तो यहां पर आपको ग्लास बैक के साथ में टिपिकल गेमिंग नुबिया टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलता है। दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है, गेमिंग स्मार्टफोन जैसा बैक से देखने को मिलता है, डिजाइन भी काफी इंप्रेसिव है, तो बिल और डिजाइन काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें जो कि फोन का हार्डिंग फीचर है, यहां पर आपको 6.65 इंच का एक बड़ा सी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कमाल की बात यह है कि यहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है और एक एमोलेड डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले यहां पर यह फोन में नुबिया ने कमाल का लगाया है, क्वालिटी भी आपको एमोलेड की अच्छी मिलेगी, हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा और बेजललेस टाइप का ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ऊपर नीचे हल्के से बेजल्स है लेकिन आपको कोई पंच होल या नॉच देखने को नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले मिड रेंज में इतना हाई रिफ्रेश रेट के साथ में एमोलेड पैनल, तो एक थम्स अप तो यहां पर नुबिया के लिए तो बनता ही है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग वेरियंट जो है आपका 6128 से स्टार्ट होता है, फिर 8128 है, फिर जो लास्ट वेरियंट है वो आपका 8256GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है। डुअल सिम का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है और LPDDR4X यहां पर रैम टाइप देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलता है जो कि एक 5G चिपसेट है, पावरफुल है, एड्रिनो 620 GPU भी यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये एक 5G स्मार्टफोन है, यस 5G स्मार्टफोन है, एज वेल एज परफॉर्मेंस भी आपको कहीं हद तक बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी, सारे गेम्स आप आराम से यहां पर खेल पाओगे। कैमरास की अगर हम बात करें तो कैमरा गेमिंग फोन होने के बावजूद भी कैमरा काफी अच्छा यहाँ पर सेटअप दिया गया है, क्वाड कैमरे का सेटअप है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है लेकिन सोनी का IMX582 का सेंसर इस्तेमाल करा गया है, एज वेल एज 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 4K 30fps तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो IMX582 मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ Z1X में, काफी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है, नुबिया यूआई 8 पे यहां पर ये रन करता है। सो गाइस, सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, एज वेल एज फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। और क्योंकि यहां पर ये गेमिंग फोन है तो टच सेंसिटिव बटन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग में हम यहां पर काफी बार देख चुके हैं, क्योंकि मिड रेंज में यहां पर ये टच सेंसिटिव बटन देना काफी बढ़िया बात है। तो ये चीज भी यहां पर आपको गेमर्स के लिए यहां पर दी गई है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मैसिव 5100mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट है और 30W की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के ये पूरा स्मार्टफोन आपको नुबिया प्ले 5G देखने को मिलता है। अगर हम प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो चाइना लॉन्च हुआ है 2399 yuan, तो अगर इंडियन प्राइसिंग में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो अराउंड 25,000 rupees का यहां पर पड़ता है। तो 25,000 rupees में मुझे यहां पर पर्सनली ये स्मार्टफोन गेमिंग फोन को देखते हुए और ऑलराउंडर्स के भी हिसाब से अगर आप देखोगे काफी बढ़िया है, कैमरास अच्छा मिल रहा है, एज वेल एज डिस्प्ले यहां पर की हाइलाइटिंग फीचर है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले वो भी एमोलेड के साथ में कमाल कर दिया है, स्नैपड्रैगन 765G अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे देगा, बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन अच्छी है। कुल मिला के नुबिया ने बहुत ही बढ़िया सी स्मार्टफोन मेरे हिसाब से तो लॉन्च करा है। अब क्या ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, तो चांसेस 50-50 है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि लॉन्च होगा ही नहीं। अगर यार सही प्राइस पॉइंट पे इंडिया में अगर 25,000 rupees के आसपास आ जाता है तो डेफिनेटली बहुत ही तगड़ा यहां पर कंपटीशन दे सकता है Xiaomi और Realme को, क्योंकि एक 5G स्मार्टफोन के साथ में ये सारी चीजें देना 25,000
20,000 रुपए में काफी बढ़िया बात है। तो न्यूबिया से रिक्वेस्ट है तो जल्द से जल्द यहाँ पर ये स्मार्टफोन सही टाइम पे लॉकडाउन के बाद अगर लॉन्च कर देते जल्दी से 25-26 हज़ार की रेंज में, देन डेफिनेटली यहाँ पर काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन ये देने वाला है। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको 25,000 के रेंज में यहाँ पर ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है और उसमें आपका फेवरेट फीचर आपको कौन सा लग रहा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और न्यूबिया एज अ ब्रांड आपने कभी कोई स्मार्टफोन इसका यूज करे हो नहीं करो, सुने हो नहीं सुने हो, वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।